हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट प्रिंस, और आज की इस वीडियो में हम ऑपरेटिंग सिस्टम के लेक्चर्स को देखने वाले हैं। कल के दिन मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने पूछा था आप लोगों से कि आपको कौन से लेक्चर्स चाहिए, कौन से सब्जेक्ट की दो लेक्चर्स चाहिए, मतलब दो सब्जेक्ट की कौन से लेक्चर्स चाहिए। तो सबसे ज़्यादा लोगों ने जो कमेंट किया था वो था ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। मेरे इंस्टाग्राम पर बहुत सारे मैसेज आए, मुझे यूट्यूब कमेंट में मुझे बहुत सारे मैसेज आए। जब सबको मैंने देखा तो एक जो सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा पूछा गया था वो था ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मैंने सोचा कि इस पर जो सबसे पहली लेक्चर है वो इस पर शुरुआत की जाए। ऑलरेडी डिप्लोमा के लिए मेरे जो लेक्चर्स चले वो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एडवांस जावा के दो लेक्चर्स हम ऑलरेडी ऑनगोइंग प्रोसेस पे है। ये जो हमारी थर्ड लेक्चर है डिप्लोमा के लिए जिसका नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर डिप्लोमा, तो इसकी जो पूरी जो सिलेबस है जो मैंने डिजाइन किया वो है पूरी एमएसबीटी के डिप्लोमा के सिलेबस के ऊपर। जो आईएसकी में हमें लेटेस्ट सिलेबस पढ़ना है पूरा सिलेबस आपका मैं इस चैनल पर कवर करा दूंगा। आपकी कॉलेज बंद है, सबको पता है कि कोरोना की वजह से आप कॉलेज नहीं जा पा रहे, बट आपकी पढ़ाई बिल्कुल भी लॉस नहीं होनी चाहिए। उस वजह से मैंने सोचा कि आपके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की लेक्चर्स को भी ले आऊं। तो आज के लेक्चर में जो हम पढ़ने वाले हैं वो इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपोनेंट्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, व्यूज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ये हमारी पहली लेक्चर है जिसमें हम ये तीन टॉपिक्स को पढ़ेंगे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये तीनों टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे पहले जो सबसे ज़्यादा लोगों ने मुझे मैसेज किया था वो ये था कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक थ्योरी पेपर है और एडवांस जावा एक ऑनलाइन पेपर है, तो ये जो डिफरेंस है दोनों का, ये कैसे हम इस डिफरेंस को कैसे समझें। देखो यार, कंप्यूटर साइंस में कोई भी पेपर, वो थ्योरी हो या फिर ऑनलाइन, वो सारे पेपर्स लॉजिकल होते हैं। आपको यहाँ पर रटने की कुछ भी ज़रूरत नहीं, कुछ भी लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हर एक कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे तो जाके हमें आउट ऑफ मार्क्स या फिर 65 से ऊपर मिलते हैं। मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम में 70 आउट ऑफ 68 मार्क्स मिले थे। तो मैं अपने वो सारे एक्सपीरियंसेस आपके साथ यहाँ इस चैनल पे शेयर करूँगा, कैसे मुझे 70 आउट ऑफ 68 मार्क्स मिले थे और क्या क्या चीज़ें मैंने की थी, वो सब आपको इन ट्यूटोरियल्स में मैं बता दिया करूँगा। सबसे पहले हम जानते हैं, इंट्रोडक्शन में आते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम को जानने से पहले मैं आपको कुछ कंप्यूटर्स की बेसिक्स बताता हूँ। जब भी हम एक कंप्यूटर ऑन करते हैं तो सबसे पहले आपको क्या दिखता है, आपको एक बूटिंग दिखती होगी, विंडोज़ लिखा हुआ। अगर आप उबंटू चलाते हो तो उबंटू, मैक चलाते हो तो मैक। ये सब क्या है, विंडोज़, उबंटू, जैसे हम मैक्सिमम लोगों ने सुना होगा नाम, विंडोज़ का नाम सुना होगा, उबंटू का नाम सुना होगा, मैक ओएस, सबसे ज़्यादा जो लोगों ने सुना होगा वो होगा एंड्रॉयड। ठीक है, ये सब क्या है, ये जो चार जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं नाम, ये चारों क्या है। बेसिकली ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम हैं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल्स, ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप हैं। तो सबसे पहले ये जानना हमें बहुत ज़रूरी है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम किसको कहते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम का रोल क्या होता है हमारे सिस्टम को चलाने के लिए। तो उसको समझने से पहले मैं आपको एक वर्ड बताता हूँ, ऑपरेटिंग सिस्टम। ये दो वर्ड हैं, ठीक है, एक है ऑपरेटिंग, एक है सिस्टम। इस ऑपरेटिंग का मतलब क्या होता है, ऑपरेटिंग का मतलब होता है हम किसी चीज़ को ऑपरेट करें, किसी चीज़ को मेंटेन करें, किसी चीज़ को चला रहे हैं। दूसरा जो वर्ड है वो है सिस्टम। सिस्टम का मतलब क्या होता है, हमारा डेस्कटॉप, ठीक है, जो हमारा डेस्कटॉप है या लैपटॉप है कुछ भी, ठीक है। इस डेस्कटॉप, लैपटॉप, जो भी हमारी जो सिस्टम है, मशीन है, इसको चलाने के लिए जिन चीज़ों का हमें ज़रूरत पड़ती है, जिन चीज़ों को जो हमें जो प्रोग्राम की ज़रूरत पड़ती है, हम उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, इसका सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम का। ऑपरेटिंग सिस्टम को अगर हम और डिफाइन करें, और अच्छे से डिफाइन करें, तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ नथिंग बट अ प्रोग्राम, जो इट इज़ अ प्रोग्राम डैट एक्ट्स लाइक ए इंटरफेस बिटवीन द हार्डवेयर एंड द यूज़र। अब यहाँ पे हार्डवेयर कौन है, इन चीज़ों को हम समझते हैं। सपोज करो ये आपकी हार्डवेयर डिवाइस है जिसको हम लोग बोलते हैं CPU, जिसके अंदर मदरबोर्ड होती है, रैम वैम्स जो भी होती है चीज़ें होती है, ठीक है। ये है हमारा यूज़र, ठीक है, ये हमारा यूज़र और ये हमारी मशीन। अगर इसके बीच में जो गैप है, ये जो गैप है, ये जो ब्रिज है, इसको मेंटेन करने के लिए, इसको इंटीग्रेट करने के लिए जिन चीज़ों का हमें ज़रूरत पड़ता है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। आप डायरेक्ट, आप एक चीज़ बताओ कि आप डायरेक्ट जाके CPU में, मदरबोर्ड में कुछ फंक्शन नहीं कर सकते, आप डायरेक्ट जाके रैम पे वर्क नहीं कर सकते, मदरबोर्ड पे काम नहीं कर सकते, आपको एक प्लेटफॉर्म की, एक मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, हम उसको ही बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम को अगर हम और सिंपल में समझें तो ये आपको एक मीडियम प्रोवाइड करता है हार्डवेयर से इंटरेक्ट करने का। हमारे मदरबोर्ड में जो हमारी सिस्टम होती है उसमें सबसे ज़्यादा मेजर कंपोनेंट वो होता है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड में सारी चीज़ें होती हैं, तो मदरबोर्ड में जितने भी हम फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, जो भी फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, उस फंक्शंस को परफॉर्म करने में जो हमें मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, उसी को हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ इंटरफेस विच एक्ट्स एज एन इंटर ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ प्रोग्राम विच एक्ट्स एज अ इंटरफेस बिटवीन द हार्डवेयर, बिटवीन द मशीन एंड द यूज़र। ठीक, ऑपरेटिंग सिस्टम का यही काम होता है कि आपको सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करने में मदद करता है ऑपरेटिंग सिस्टम।
सिस्टम का ये काम होता है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम की जो चीज़ें होती हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। आप कंप्यूटर पे कोई भी फंक्शन देख लो, आप चाहे कैलकुलेटर खोलो, चाहे एमएस वर्ड खोलो, पेंट खोलो, वो सारी जो फंक्शंस परफॉर्म होती है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू होती है, ठीक है। तो अब ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोग और डिटेल में अगर हम समझें कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर डिटेल में जाएं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बहुत सारे टाइप भी हो सकते हैं, बहुत सारे टाइप हो। सपोज करो अगर आपको एक पार्टिकुलर कुछ सैटेलाइट जहाँ पे हमें स्पेसशिप में जहाँ पे हम काम होता है उसके लिए हम जो ऑपरेटिंग सिस्टम का जरूरत होता है वो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ओएस, ऐसा टाइम शेयर्ड ओएस, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम के अलग अलग टाइप्स हैं जो अलग अलग पर्पस के लिए बनाए गए। जैसे हमारा होता है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, जो हमारे सेलफोन्स में जो हम मैक्सिमम टाइम पे यूज़ करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो ये हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम का एक इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मतलब बोले तो ऑपरेटिंग सिस्टम का सिंपल सा कॉन्सेप्ट, जहाँ पे आपको मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम की बेसिक चीज़ें बता दी हैं। अब हम बात करते हैं कॉम्पोनेंट्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की। कॉम्पोनेंट्स मतलब क्या होता है? कॉम्पोनेंट्स का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम जिन चीज़ों से बना है और जिन चीज़ों के लिए बना है। दोनों का सेम ही आंसर है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जिन चीज़ों से बना है और जिन चीज़ों के लिए बना, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम हम किन चीज़ों के लिए परफॉर्म करते हैं। इसका एक दूसरा नाम पे बोलते तो ऑपरेशंस, ऑपरेशंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेशंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सी चीज़ें आती हैं मैं आपको अभी बताता हूँ। अब हम बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। कंपोनेंट्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? जैसा मैंने आपको पहले बताया कि कंपोनेंट्स और ऑपरेशंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर आपको इसको ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप दोनों में सेम आंसर्स भी लिखोगे तो चलेगा, आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट है कॉम्पोनेंट्स का या फिर ऑपरेशन का, वो सबसे पहला कॉम्पोनेंट जिससे ऑपरेटिंग सिस्टम बना है वो क्या है? फाइल मैनेजमेंट, सिक्योरिटी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट, नेटवर्क मैनेजमेंट एंड इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट। अब ये क्या होता है? फाइल मैनेजमेंट किसको कहते हैं? फाइल मैनेजमेंट कैसे रोल है ऑपरेटिंग सिस्टम में? देखो यार, जो भी हमारे सिस्टम में जितने भी डायरेक्टरी होती है, फोल्डर्स होते हैं, फाइल्स होते हैं, उनको मैनेज करने का काम करता है ये फाइल मैनेजमेंट हमारा। फाइल मैनेजमेंट जिन चीज़ों के लिए ज़रूरत पड़ता है वो क्या होता है? फाइल को मैनेज करने के लिए होता है। फिर हम सिक्योरिटी मैनेजमेंट, जब भी हम ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करते हैं तो ऐसे बहुत सारे आपके फाइल्स होते हैं जहाँ पर हमें क्रेडेंशियल्स डालना पड़ता है, जहाँ पर आप चाहते हो कि ये जो एक्सेस है इसको को एक्सेस ना दे, वो जो काम करता है वो करता है सिक्योरिटी मैनेजमेंट मैनेजर काम करता है। तो मतलब प्रोसेस मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब भी हम ऑपरेटिंग सिस्टम में अपने सिस्टम पे कोई भी काम करते हैं तो हम बहुत सारे प्रोसेस को करते हैं। प्रोसेस मतलब क्या होता है? सपोज करो आपने एमएस वर्ड खोला, देन आपने पेंट खोला, देन आपने नोटपैड खोला, ये तीन अलग अलग चीज़ें आपने खोली है। अब तीन जो चीज़ें हैं वो तीन कंप्यूटर के लिए, मशीन के लिए, वो तीन चीज़ें क्या होती है? तीन प्रोसेस होती है, तीन जॉब बोले तो जॉब वन, जॉब टू, जॉब थ्री, तीन जॉब है हमारे पास। तो वो तीन जॉब को कितनी मेमोरी एलोकेट करनी, कितना प्रोसेस देना, कितनी जो रैम कितना देना है, वो जो चीज़ें करता है वो करता है प्रोसेस मैनेजमेंट हमारा। उसके बाद सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट, सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट किसको बोलते हैं? जो भी आपकी जो हार्ड डिस्क होती है उसको मैनेज करने का काम करता है सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट, की जो उसकी जो स्टोरेज होती है कंप्लीट स्टोरेज। जैसे हमारे मशीन में जब भी हम अपने मशीन में काम करते हैं तो एक होता है प्राइमरी स्टोरेज मैनेजमेंट, एक होता है सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट। सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट वो होता है हार्ड डिस्क, जहाँ पे हमारे 500 GB 1 TB का जो होता है उसको मैनेज करने का काम करता है सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट। उसके बाद नेटवर्क मैनेजमेंट, नेटवर्क मैनेजमेंट क्या होता है? नेटवर्क मैनेजमेंट उन चीज़ों को हैंडल करता है जो हमारे जो IP एड्रेसेस होते हैं। जैसे नेटवर्क मैनेजमेंट जो हमें आ गई हमारी IP राउटर्स जिसको हम बोलते हैं, या फिर हमारा वाईफाई कनेक्शन हो गया, या फिर हमारा लैन कनेक्शन हो गया, ये जो सारी कनेक्शंस होती है वो होती है हमारी नेटवर्क मैनेजमेंट में। उसके बाद हम बात करते हैं इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट की। इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट से पहले क्लियर हो चुका होगा, इनपुट आउटपुट जो डिवाइस होती है वो कौन से डिवाइस होते हैं? इनपुट आउटपुट डिवाइस, इनपुट आउटपुट डिवाइस जैसे कीबोर्ड, माउस, जितने भी डिवाइस अलग से आप जॉयस्टिक्स भी लगा रहे हो, तो प्रिंटर लगा रहे हो, मॉनिटर लगा रहे हो, तो ये जो इनपुट आउटपुट जो डिवाइस होती है को मैनेज करने का काम इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में हर एक काम के लिए, हर एक जॉब के लिए एक अलग प्रोसेस होती है। अगर आप जब भी सिस्टम पे काम करो तो आप उतना सोचते नहीं होगी ये क्या चीज़ हो रही, बट जब आप उसको डिटेल में पढ़ोगे तो आपको ये बहुत कमाल की चीज़ लगेगी। हर चीज़ जो भी हम बेसिक से बेसिक चीज़ करें उसके लिए इतनी बड़ी बड़ी प्रोसेस पीछे में फंक्शन करती रहती है। और हम आगे पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम में कि जो पूरा जॉब होता है, जो पूरा प्रोसेस होता है, वो कैसे स्केड्यूल होता है, कैसे उसको टाइम दिया जाता है, कैसे टाइम लिया जाता है, उससे कैसे करता है, वो सारी चीज़ें हम आगे पढ़ने वाले हैं।
इसके बाद जो हमारा तीसरा टॉपिक है वो है व्यूज़। व्यूज़ ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, व्यू का मतलब क्या होता है, व्यू का मतलब होता है देखना, नज़रिया। मतलब क्या होता है कि एक जो व्यू होता है जिसको हम लोग देखते हैं, एक होता है बैकएंड में जो प्रोसेस चलती रहती है। तो यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट है, जैसे हम वेबसाइट में कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं कि एक होता है फ्रंट एंड एक होता है बैक एंड, यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट, एक होता है यूज़र व्यू एक होता है सिस्टम व्यू। यूज़र व्यू का मतलब क्या होता है, जब हम यूज़र काम करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम पर, जो चीज़ें हमें दिखती हैं, हमें क्या दिखती है, जब आप सिंपल एग्जांपल अपना लैपटॉप खोलो और विंडोज़ खोलो, सबसे पहले आपको कर्सर दिया, जो आप कर्सर से सारी चीज़ें हैंडल करते हो वो होता है यूज़र व्यू, जो आपको दिख रहा है सामने में ग्राफिकल फॉर्म में। एक होता है सिस्टम व्यू, जो हमारा सिस्टम देख रहा है। जब भी हम कोई, सपोज करो आपने एमएस वर्ड पे क्लिक किया, एमएस वर्ड पे आपने क्लिक किया तो डबल क्लिक किया तो एमएस वर्ड खुल के आ गया, ये हो गया यूज़र व्यू। बट जब आपने क्लिक किया तो जो सिस्टम ने उसको मेमोरी एलोकेट की, जो प्रोसेस पीछे में चला, कितना टाइम लगा प्रोसेस, जो स्केड्यूलिंग हुआ पूरा प्रोसेस, वो हो गया सिस्टम व्यू हमारा। ये बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ ज़्यादा देखना नहीं है। हालांकि बहुत सारे बच्चे मुझे बोल रहे थे नोट्स के बारे में, ऑपरेटिंग सिस्टम की मेरी खुद की नोट्स मैं अपने वेबसाइट पर अपलोड करूंगा बहुत जल्द। फिलहाल तब तक के लिए आप इन सारे लेक्चर्स को पढ़ो, अपने नोट्स बनाओ खुद से, जो मैं अपनी नोट्स है वो सारे आपको दे दूंगा मैं एक पीडीएफ के फॉर्म में अपनी वेबसाइट पे, इन सब चीज़ों के बारे में कि क्या क्या कॉम्पोनेंट्स है, इन चीज़ों के बारे में डेफिनेशन भी दे दूंगा आपको, डिटेल में दे दूंगा। बट एक बार फिर से मैं सारी चीज़ों को आपको रिवाइज़ करता हूँ, कि रिवाइज़ करा देता हूँ कि क्या है पूरा कॉन्सेप्ट। इंट्रोडक्शन, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली एक ब्रिज है, एक ब्रिज है हार्डवेयर एंड द यूज़र के बीच का, जो हम जो एक यूज़र को हार्डवेयर से मिलाता है, इंटीग्रेट करता है और फंक्शंस को करने में मदद करता है। क्योंकि आप डायरेक्ट मदरबोर्ड से इंटरेक्ट नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ नथिंग बट अ प्रोग्राम विच एक्ट्स लाइक ए इंटरफेस, इंटरफेस बिटवीन अ यूज़र एंड द हार्डवेयर। फिर हम आते हैं कॉम्पोनेंट्स पे। कॉम्पोनेंट्स और ऑपरेशंस का अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आप एक ही आंसर लिखोगे, डैट इज़ ये कि फाइल मैनेजमेंट। कॉम्पोनेंट्स मतलब किस चीज़ से ऑपरेटिंग सिस्टम बना है, तो डैट इज़ फाइल मैनेजमेंट, जो फाइल को मैनेज करता है। उसके बाद सिक्योरिटी मैनेजमेंट, जो सिक्योरिटी पर्पज़ को मैनेज करता है, कितनी एक्सेस किसको देनी है, क्या क्रेडेंशियल्स डालने हैं आपको, कौन से फाइल को आपको हिडन करना है, कौन से फाइल को आपको पब्लिक रखना है। उसके बाद प्रोसेस मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट मतलब आप कौन से जॉब को कितना प्रोसेस दे रहे हो, कौन से टास्क को आप परफॉर्म करोगे पहले, कौन से बाद में। देन सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट, जो हमारी स्टोरेज को मैनेज करता है। देन नेटवर्क मैनेजमेंट, जो नेटवर्क को मैनेज करने का काम करता है, नेटवर्क में जैसे आईपी हो गया, हमारा लैन कनेक्शन हो गया, हमारा वैन कनेक्शन हो गया। देन उसके आता है इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट, वो डिवाइस मैनेजमेंट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, जो भी हमारी इनपुट आउटपुट डिवाइस जैसे कि कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, मॉनिटर, ये सब को जो मैनेज करने का काम करता है वो करता है इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट। देन हमारा व्यूज़ हो गया, व्यूज़ ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें हमने पढ़ा था कि यूज़र व्यू क्या होता है, जो चीज़ें हमें सामने दिखती ग्राफिकल के फॉर्म में। उसके बाद जो होता है सिस्टम व्यू, जो पीछे बैकएंड प्रोसेस चलता है उसको हम लोग बोलते हैं सिस्टम व्यू। तो ये सारा कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा है, ये हमारी पहली लेक्चर थी जिसमें हमने तीन टॉपिक अपने पढ़े। आने वाले लेक्चर्स में मैं आज के आगे के सिलेबस को पढ़ाऊंगा आपको और बताऊंगा कि क्या क्या है पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम में चीज़ें। और बेसिकली जो पूरा सिलेबस है हमारा, ये पूरा डिप्लोमा के ऊपर है, बेस्ड है। तो अगर जो बच्चे मेरे डिग्री के बच्चे जो मुझे सुन रहे हैं, फिर जो इस लेक्चर को देख रहे हैं, वो प्लीज़ ऑफेंड मत होना, क्योंकि डिप्लोमा की जो सिलेबस है वो थोड़ी कम है, डिग्री की सिलेबस थोड़ी ज़्यादा है। तो अगर डिग्री के लिए भी मैं अलग से लेक्चर्स बनाऊंगा ऑपरेटिंग सिस्टम के, आप टेंशन बिल्कुल मत लो। आप मुझे कमेंट करके बस बता दिया करो कि आपको कौन सी लेक्चर नेक्स्ट चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिले और वीडियोज़ बनाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।